लखनऊ में शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार से कमजोर हो रहा है कांग्रेस का वोटर बैंक, ऐसा कहना है प्रमोद किश्नम का। लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद किश्नम ने शत्रुघ्न सिन्हा पर बड़ा हमला बोला है। पिछले महीने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर उन्होंने कहा कि शत्रु का पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा है। उनका कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार संघी है। प्रमोद किश्नम ने ये तक कह दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा की हरकतों से लगता है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन तो कर ली है मगर अभी तक आरएसएस से इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार के पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा यहां सपा बसपा गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। पति शत्रु कांग्रेस में है जबकि पत्नी पूनम सिन्हा यूपी में और कांग्रेस के विरोध में लड़ रही सपा बसपा गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में प्रमोद किश्नम का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी यहां कांग्रेस का ही वोट काटने वाली हैं। मालूम हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही लखनऊ में 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मौजूदा सांसद गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां से एक बार फिर मैदान में हैं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 2.72 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। यहां सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस दोनों ही भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग उम्मीदवार होने के कारण भाजपा के खिलाफ वोट बन सकता है। इसी संभावना को देखते हुए प्रमोद किश्नम पूनम सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर आक्रोशित है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा का गठबंधन के लिए किया गया जन प्रचार गठबंधन को और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, जिससे कांग्रेस के प्रमोद किश्नम और भाजपा के राजनाथ सिंह दोनों ही अपनी सीटों को संभाल पाने में मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।